दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और खाना तो हमारा बन गया। रोहित अभी चावल बना रहा था, तब तक बाहर बैठे हुए थे और बहुत ज्यादा गर्मी किया हुआ है, आप देख ही रहे हैं। तो ये देखिए पापा को, ये भाई अभी आए थे हम लोग से मिलने के लिए, तो उनके गाड़ी में घुस गए। एसी वाला गाड़ी था, ये आइसक्रीम आइसक्रीम है तो वहाँ बीच में घुस के बैठे हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 10 बज रहा है और हमारा ब्लॉग थोड़ा आज लेट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आज संडे है और हमारा कुछ आज हम लोग को कुछ स्पेशल बनाना था, तो हम लोग थोड़ा ढूंढने में समय लग गया। वो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया, अभी पानी खोली पार कर गए हैं, तो पानी खोली पार करके इस जगह पर रुके हुए हैं, तभी जा रहे हैं। हम लोग खाना बनाते हैं और फिर उसके बाद धूप भी काफ़ी है, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो क्या ना कि हमारे नहाने का जगह भी देखना है, तो हो सकता है शाम तक कहीं जगह मिल जाए, क्योंकि ज़्यादा धूप में फिर नहाने का मन भी नहीं करता है। दोस्तों तमिलनाडु से जो हम लोग चले हम लोग, तो अभी तक हम लोग 1700 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं और हमारा यहाँ से 350 किलोमीटर रह गया है आपको कलकत्ता, तो वो भी सफ़र पूरा कर लेंगे आज रात में, कल हम लोग कलकत्ता पहुँच जाएंगे और हम लोग जा रहे भी खाना बना लेंगे, खाना बना के फिर सफ़र भी काटना हम लोग को अभी। दोस्तों आज जा रहा मटन बनने के लिए, देख सकते हैं ये मटन मेरा आ गया है और आज मेरा मटन का वजन है 1.5 केजी, पिछले बार 2 केजी हो गया था, तो उधर का मौसम ठंडा था उसके कारण लिए थे, इधर थोड़ा गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम लोग का प्लानिंग था कि आज नहा धोवा के फिर खाना ना बनेगा, लेकिन हम लोग जब सुबह चले तो ऐसा जगह नहीं मिला और बाद में बहुत ज़्यादा धूप हो गया, तो ज़्यादा धूप में नहाने का मन भी नहीं करता है। अब शाम में प्लानिंग हो रहा है कि शाम में खाना ना बना लेते हैं, खा खो के शाम में फिर नहाएंगे, ज़्यादा धूप के बाद भी मज़ा नहीं आता है ना, पसीना पसीना होने लगते फिर हम लोग, तो इसी को लेकर के नहाना भी कैंसिल हो गया, अब एक ही बार शाम में नहाएंगे। तो जा रहे आज रोहित का भी जो मन था, पिछला ब्लॉग में देखे थे आप लोग, मटन मटन कर रहा था वो, तो उसके हिसाब से अभी किस्मत उसका साथ दे रहा, अभी मटन ही मिल गया और बढ़िया मटन मिला, यहाँ कटक भुवनेश्वर में अच्छा मटन मिलता है, संडे भी था, सुबह सुबह बहुत अच्छा मिल रहा था, तो हम ले चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारा मटन बनाने का तरीका वही है, पहले प्याज मिर्चा लहसुन अदरक जो वो भून लेते हैं, तो वही अभी भून रहे हैं, तो भैया आधा भूनेंगे फिर डाल के फिर बनाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं मेरा प्याज थोड़ा आधा लाल हो चुका है, ये देखिए पूरा नरम हो गया प्याज, अब इसमें डाल देते हैं, अब दोनों साथ में होता रहेगा। इस बार हमको कटक में जो मिला है इसका दाम यहाँ पर 680 रुपये लिया है, कटक तो नहीं है वो जगह का नाम तो दूसरा ही है, हम तो कटक के पास में इसलिए कटक का नाम ले रहे हैं हम। पानी खोली पार करने के बाद, पानी खोली है वो पार करने के बाद हमको मिला, तो नहाने का ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, तो लास्ट में मिल गया ये, तो मैं चलो आज यही पहले करते हैं, उसके बाद नहाना देखते हैं शाम में करेंगे, फिर नहाना धोना अपना। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए लिए है कि अगले बार जगह भी कम था तो दिक्कत हो रहा था, इस बार इसीलिए कम भी लिए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है वो भी ध्यान में रखते हुए, तो अभी ये 1.5 केजी तक बनने में कोई दिक्कत नहीं है, बन जाता है इसमें। ये देखिए दोस्तों ये सारा मिल गया इसमें, अब इसमें आराम आराम चलाते हैं, और चलाने के बाद अभी हमारा चावल नहीं बना है, चावल इसलिए नहीं बना है कि हम देखें कि अगर इसमें समस्या होगा तो चावल का डेक्ची में ही इसको फिर हम क्रॉसिंग करेंगे, इसको उसमें डाल कर फिर उसी में पकाएंगे, तो देख लेते हैं अगर इसमें होगी तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर उसमें डाल करके अपना कर लेंगे, क्योंकि इसमें भूनने में मज़ा आता है, चावल का डेक्ची में नहीं होता है। दोस्तों हम तो देखने गए थे कि शायद चिकन मिल जाए, और इधर उड़ीसा में आए हैं तो हो सकता है कि जिंदा मछली भी मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला, और मिल रहा था तो बॉयलर वाला, तो बॉयलर वाला अब इसको दिख गया ताज़ा ताज़ा कट रहा था, तो ये बोल दिया कि नहीं चलिए यही लेते हैं हम, अगले संडे भी हो गया, ये संडे भी यही हो गया, तो ऐसे तो उड़ीसा में है तो जानवे कहते हैं ये तो मछली का तो बहुत बड़ा बाजार है, तो मिला एक दो जगह लेकिन हमको बर्फ बड़ा मिला, तो हमको भाई हमको लेना है तो ताज़ा लेना है, और यहाँ और बंगाल दोनों जगह तो ताज़ा ही मिलता है, तो ठीक है नहीं आज इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम जब मिलेगा ताज़ा मछली तो मछली बनाया जाएगा। दोस्तों एक कमेंट आ रहा था कि हमारा खलासी का ज़िंदगी विषय में, कि हमारा खलासी का जब जिंदगी था तो कैसा था, तो बता दें आजकल के जो लड़का लोग हैं उन लोग के लिए बता दें, मेरे जो खलासी पना हुआ था बहुत ही मतलब कि हम ड्यूटी का पक्का आदमी थे और हमको गाड़ी में रखने के लिए हमारे ग्रुप का ही लड़का लोग था, तो वो लोग सीनियर था ड्राइवर था, मतलब सब आपस में लड़ जाता था कि राइस को हम रखेंगे तो राइस को हम रखेंगे, अगर राइस को चांस तुम नहीं दिला रहा सेकेंडरी तो बोलो हम दिलाते हैं, इस टाइप का होता क्योंकि हम काम का बहुत पक्का थे, कभी कभी घर भी त्यागना पड़ता है खलासीपना में, अपना भी हमने कोई भी काम में कोई जरूरी खलासीपना में अपना कोई ऐसा काम जब पड़ जाता है और अपना सीनियर्स का बात भी मानना पड़ता है, तो अगला क्या बोला उस बात को भी रखना पड़ता है। दोस्तों हम लोग का टाइम तो गाड़ी सीखने में काफ़ी मार भी खाते थे,
और उस्ताद की इज्जत भी करते थे, उस्ताद से डरते भी थे हम लोग। वो तो कई बार ऐसा होता था कि कोई काम है कि उन लोग का काम है कि एकदम पक्का काम, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो मार देता था। तो एक बार मेरा हाथ में लग गया था, मतलब वो मारने गया था, हम बचाने ऐसे रोकने गए थे, मेरा उंगली में लग गया था तो उंगली नाखून कट गया था। तो इस टाइप का होता है हम लोग के साथ में। हम लोग जानते थे हमको सीखना है काम, ड्राइवर आ मालिक जो मेरा उस्ताद होता है वो कुछ भी बोले तो हमको काम सीखना है, वो चीज़ लेकर के हम लोग का दिमाग में रहता था कि नहीं ड्राइवर अगर हम गलत कर रहे तो ड्राइवर बोलेगा ही, कोई भी बोलेगा अगर गलत लगेगा तो उसको बोले। हम जानते ना कोई हमको सिखाने वाला वही है, हम उनको नहीं सिखा रहे, हम गलत कर रहे तभी उनको लग रहा है। तो ये सब ठीक हम लोग झेले हुए हैं अपना खलासीपना में, तब जाकर इस मुकाम तक पहुँचे हम लोग, तब जाकर ड्राइवरी कर रहे हैं। आज ऐसा चीज़ है कि हम लोग गाड़ी का एक एक पार्ट्स बता सकते हैं कि क्या नाम है क्या पार्ट्स करेंगे। आज का लड़का लोग जो है जब काम होता है तो साइड में मोबाइल लेके बैठ जाता है, पूछने जाओ कि क्या काम हुआ वो क्या दिखा तो पता नहीं मिस्त्री काम किया है। तो ये सब टाइप का होता है। रास्ता बाद में हमसे पूछता है इसको क्या बोलता है, हम बोले जब वहाँ मिस्त्री काम क्यों नहीं पूछा उससे, क्यों नहीं देखा उसको, और हम लोग ए टू जेड बता देंगे कि क्या पहले था अभी क्या चेंजिंग कर दिया, नया गाड़ी में क्या चेंज हुआ पुराना में क्या था, सब चीज़ हम लोग बता देते हैं। देखिए दोस्तों अभी तो मटन बन रहा है, देख सकते हैं कढ़ाई चढ़ा हुआ है। हम मेरा उस्ताद और कुछ ढूंढ रहा था मछली, तो हमको देखने मिल गया मटन, काट रहा था ताज़ा ताज़ा काट के मतलब बनाया, तो हम बोले मटन नहीं लेंगे, मुर्गा मीट मछली अभी नहीं चलेगा अभी, मतलब कुछ दिन मटन खाने दीजिए उसके बाद मुर्गा मीट मछली चलेगा। तो अभी देख रहे हैं मटन बन रहा है, ज़िंदगी तो बहुत बड़ा है, खाते रहेंगे आप तो समझ सकते हैं। तो मेरा उस्ताद का मतलब दिमाग उधर दिखाइए, किस्मत अच्छा है कि मटन मिल गया। हाँ ऊपर वाला भी इसका साथ दे रहा है क्योंकि गर्मी जिस टाइप का है, मछली में भी गर्मी है और इसमें चिकन में भी गर्मी है, फार्म वाला चिकन मिल रहा था और ये मटन में गर्मी नहीं होता है, वो अच्छा हुआ मेरे लिए भी अच्छा हुआ। तो वही मटन ले लिए हैं, अभी मटन बन रहा है, मटन आज खाया जाएगा। दोस्तों जब जब मटन बनता है तो आगे देखते रहता है, झांकते रहता है कितना मतलब बाना क्या क्या डला है क्या क्या हो रहा है, वो सब पूछते रहता है देखते रहता है। ये मतलब इसको जल्दी चाहिए, बहुत जल्दी फास्ट। तो हम तो कहें मेरा जो टाइम है हम तो टाइम से ही भाई पहले मटन को भूंजेंगे फिर मसाला भूंजेंगे उसके बाद होगा। ये देखिए दोस्तों अच्छी तरह से भून चुके हैं, ये देखिए इसमें पानी ख़त्म हो गया, अब इसमें मसाला डालेगा। अब मसाला डाले नहीं थे, अब देखिए कलर अभी चेंज हो चुका है और ये 50% से भी ज़्यादा तो अभी ये गल चुका है मेरा। अब इसमें हम जा रहे हैं मसाला डालने, ये देखिए इसका मसाला जो है जीरा गोलकी है, हल्दी है और ये तो खैर लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा धनिया, दोस्तों मसाला डाल चुके हैं। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा पानी देके मसाला को ही पकाना है। ये देखिए मसाला को अच्छी तरह से घुल जाएगा इसमें और मसाला ही पक जाएगा क्योंकि कम पानी में मसाला अच्छा पकता है। इसका कलर आपको बता ही देगा कि पूरा मसाला लाल हो चुका है। सो देखिए दोस्तों अभी तो मटन बन गया है और अभी जा रहे हम चावल बनाने के लिए। तो इधर तो एक काम हो गया, अभी इधर चढ़ा देना है चावल, तो वही जो लंबा चावल है इसको जब मीट बनता है तभी बनाते हैं हम, नहीं तो ऐसे नहीं बनाते हैं, न तो छोटा चावल रखे हैं उसना वाला दूसरा। अभी मेरा उस्ताद का काम तो ख़त्म हो गया, अब मेरा काम चालू हो गया, हम जा रहे हैं बनाने के लिए। अच्छा सा अभी धो धा के मतलब रेडी कर रहे हैं इसको, इसको धो लेंगे उसके बाद फिर दूसरा पानी डालेंगे इसमें। दोस्तों अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और खाना तो हमारा बन गया, रोहित अभी चावल बना रहा था तब तक बाहर बैठे हुए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी किया हुआ है आप देख ही रहे। तो ये देखिए पापा को, ये भाई अभी आए थे हम लोग से मिलने के लिए तो उनके गाड़ी में घुस गए, एसी वाला गाड़ी था, ये आइसक्रीम आइसक्रीम है तो वहाँ बीच में घुस के बैठे हुए हैं। दोस्तों ये दोस्तों ये मेरा सब्सक्राइब भाई है और गाड़ी यहाँ खड़ा था तो आके देखने रुक गए हमसे मिलने के लिए, तो देखे कि हम लोग गर्मी में थोड़ा तरबदर हो रहे हैं तो वो बोले कि आइए इसी में थोड़ा बैठते हैं। तो इनको इनके पास भी टाइम है अभी तो बोले कि आइए, तो हम लोग बैठे हैं इसी में, मतलब रहता है चॉकलेट वगैरह सब लोड रहता है इसमें, तो यही बैठे हुए मस्त हवा लग रहा है, अभी गेट बंद कर देंगे तो और भी ठंडा लगता है। तो ठीक है दोस्तों थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, भाई साहब अभी है आधा घंटा हम लोग के साथ में। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना भैया ऐसे कूलर? भाई हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं, राजेश भाई है तो और क्या प्रॉब्लम है, राजेश भाई तो है ना हमारे पास। चलिए तो मतलब ऐसे कूलर रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कूलर रहेगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए आप भी अंदर बैठिए, आइए तो जाते हैं दोस्तों हम थोड़ा और ऊपर जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा देर हवा में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों काफ़ी देर गुजर गया यहाँ पे, मतलब ठंडा में बैठ कर लगा एसी में बैठ करके, अब इन भाई साहब को भी जाना है हम लोग को भी निकलना है, समय तो काफ़ी लगा। बहुत अच्छा लगा आपका एसी में बैठ करके, समझे, हम लोग भी सब ठंडा हो गए,
बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब निकलते हैं, फिर मिलेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ठीक है भैया, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाय। दोस्तों खाना हमारा बन गया है, अब जा रहे हैं आगे। आगे कहीं पर ठंडा बोतल पानी लेंगे, तभी वो अपना खाना पीना होगा, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है और पानी अपने पास ठंडा पानी नहीं है, तो जा रहे हैं आगे। आगे कहीं रुक के खाएंगे हम लोग। दोस्तों अभी थोड़ा दूर आगे आगे है, यहाँ पे एक दुकान दिखा है, तो ठंडा पानी ले लेते हैं, और अगर मिरिंडा लेना है, एक ठंडा भी बोल रहा था पियेंगे, तो वो भी ले लेते हैं। पानी बहुत जरूरी है ठंडा, क्योंकि इस बार हमारा फिल्टर वाला पानी मिला है, लेकिन ठंडा पानी नहीं मिला है, नॉर्मल मिला था, उसके चलते हम लोग को पानी अभी बोतल दुकान से ही खरीद के ठंडा पानी पीना पड़ रहा है। तो देखते हैं, भेजे हैं, मिल जाए तो अच्छा है। दोस्तों पानी बोतल तो मिल गया, ठंडा नहीं मिला। चलिए पानी बोतल मिल गया, ये काफ़ी है। दोस्तों जब हम लोग भुवनेश्वर आ रहे थे तो पूरी दिखाई दिया, पूरी के लिए राइट में रोड कटा हुआ था, तो ज़्यादा नहीं था, 80-90 किलोमीटर था वहाँ से, लेकिन थोड़ा समय का लेकर थोड़ा पाबंदी था कि हम लोग को समय में पहले कलकत्ता पहुँचना है, क्योंकि कलकत्ता में भी हमारा काम है, तो कलकत्ता काम निपटेंगे तभी आगे फिर निकलेंगे हम लोग, तो उसके लेके थोड़ा जा नहीं पाए। और ऐसे भी हमारे संस्कार मिले थे, वो बता रहे थे कि जब तक जगन्नाथ बाबा का बुलावा नहीं आता तब तक कोई जाता नहीं है, जब उनका बुलावा आएगा तो आप कहीं भी रहोगे तो पहुंच जाओगे वहाँ पर। वो भी बात सही है, उनका बुलावा आएगा तो हम जरूर जाएंगे, और वही चीज़ बताया हमको, जैसे हमारा देवघर में बाबा धाम है, उनका भी वैसे ही है, हर बार आदमी सोच कर आ जाता है सावन जाएंगे, लेकिन बाबा का जब बुलावा आता है तभी आदमी जा पाता है, वही यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, हम तो मन में सोचे हुए उनसे जाना है, वहाँ मिलना है, उनको दर्शन भी करना है, लेकिन इस बार नहीं हुआ तो अगले बार समय निकाल जरूर जाएंगे वहाँ हम। दोस्तों वहाँ से चल के थोड़ा दूर आगे आ गए हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ भी मिला है, और पानी भी मिल गया, ठंडा पानी। अब चले हम लोग खाना खाने के लिए, तो ये देखिए हमारा सब चीज़ रेडी है। देखिए दोस्तों अभी तो मटन तो बन गया है, मस्त बना है मटन, मेरा उस्ताद ज़्यादा नहीं खाता है, उसका दांत में फंसता है। तरी दो। दोस्तों मटन तो बहुत शौक से बनाया है, लेकिन थोड़ा सा गर्मी से ही परेशान है, तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी सफ़र ज़्यादा दूर नहीं है बंगाल, और बंगाल भी चले जाएंगे तो हो सकता है वहाँ फ़र्क पड़ जाए। ऐसे कलकत्ता का तो गर्मी सुने बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी वहाँ पर ठीक है, वहाँ पर हमारा सस्कार भाई है, वहाँ से फ़ोन में बात हो रहा है, वो बताया कि हाँ अभी थोड़ा ठीक है। अब मौसम दो दिन पहले इधर बारिश हुआ था, अभी फिर बारिश बंद हो गया, उसके कारण यह गर्मी ज़्यादा है, तो और कोई बात नहीं था। देखिए दोस्तों उन दोनों का तो निकाल दिए हैं, और हम ले रहे हैं। देखिए दोस्तों मटन तो बहुत ज़बरदस्त बना है, और खाने में भी बहुत मज़ा लग रहा, पूरा गल गया है, तो उस दिन भी बना तो बहुत मस्त बना था, आज भी बना है बहुत ज़बरदस्त, तो मज़ा लग रहा है खाने में। दोस्तों मटन तो मेरा पूरा अच्छी तरह से गल गया है, जैसे मुर्गा गलता है उस टाइप का, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ज़्यादा देर पकाने का मतलब यही है, तो थोड़ा ज़्यादा देर पका के बनाते हैं तो टेस्टदार बनता भी है, और हमेशा तारीफ ही किया है ये लड़का रोहित, हमेशा तारीफ किया है मेरा बनाया हुआ, इसीलिए कि हम ज़्यादा ही लेते। देखिए अभी भी कढ़ाई में मेरा उतना है, जो अभी ये मन भर के खाना है अभी, और फिर रात में भी खाते हैं हम लोग। तो कोई भी चीज़ मेहनत से, अगर पैसा लगता है, मेहनत से बनाते हैं, टेस्टदार बनाते हैं, खाने में अच्छा लगता है, मन भर के खाना चाहिए। दोस्तों खाना खा के निकल गए हम लोग, और शाम के 6 बज रहा अभी। अभी ये हमारा जो उड़ीसा का सफ़र है बहुत कम रह गया है, उड़ीसा हमको 50-60 किलोमीटर और चलना है, फिर हम बंगाल इनकर जाएंगे, और हमारा जो शहर मिलेगा बंगाल का खड़गपुर। तो ये अभी हम जो रोड पर चल रहे हैं, ये चेन्नई टू कलकत्ता रोड है, और खड़गपुर के बाद क्या है ना कि बॉम्बे टू कलकत्ता रोड आ जाता है, वो 6 नंबर रोड पुराना है बॉम्बे टू कलकत्ता, तो उस रोड को पकड़ना फिर, तो वहाँ से कलकत्ता के लिए हम लोग निकल जाएंगे। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुका है, और हम लोग खड़गपुर के आसपास पहुंच गए हैं, और यहाँ से मात्र कलकत्ता 150 किलोमीटर है। तो कलकत्ता तो हम लोग लोकेशन में अंदर दिखाता है, तो अंदर से तो मतलब रहता नहीं है, हम लोग तो बाहर से ही निकल जाते हैं।
कम से कम 20 किलोमीटर पहले ही बता देता है, 20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है कलकत्ता के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर प्लानिंग हो रहा है, अभी कलकत्ता तक जाना है कि कहीं रुकना है पहले ही उसका, क्योंकि आप लोगों को बता चुके पहले भी कि कलकत्ता में हमको काम है, रुक के जाना है वहाँ। तो देखते हैं कहाँ जगह मिलता है, कहाँ रुकना है। तो ठीक है दोस्तों, अभी निकल रहे हैं यहाँ से, रुकना तो अभी नहीं है, शीशा वगैरह साफ करने यहाँ पर रुके थे, वो सब काम मेरा हो गया, अब निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों हम लोग खड़गपुर आ चुके हैं और आ गए हैं, गाड़ी हम लगा दिए हैं और यहाँ से कलकत्ता ज़्यादा दूर है नहीं। अगर कलकत्ता में हमारा काम नहीं रहता तो हम डायरेक्ट निकल जाते हैं, लेकिन कलकत्ता में काम है इसलिए हमको रुकना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पेट्रोल पंप है, यहीं पे गाड़ी खड़ा किए, पार्किंग है, बहुत अच्छा पार्किंग है, हर जगह सुविधा है यहाँ पर भी। तो हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं, अब यहाँ से सुबह उठेंगे अपना, कल सुबह सुबह कलकत्ता पहुँच जाएंगे, अपना काम निपट लेंगे दिन भर, उसके बाद फिर निकल जाएंगे वहाँ से। दोस्तों अपना खाना तो अभी रात में बनाना नहीं है, क्योंकि दिन का ही मेरा सब्जी बचा हुआ है और सिर्फ रोटी बनेगा और अपना खाना हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, रोटी बनाते हैं अभी, फिर खाना वाना खाएंगे। दोस्तों रात का 10 बज चुका है और हम लोग चले खाना खाने के लिए। तो देख सकते हैं कि मटन तो दिन में बहुत ज़्यादा बना था, वही मटन है और अभी सिर्फ रोटी बनाए हम लोग, रोटी बना लिए और अपना खाना हो रहा है। दोस्तों खाना तो अपना हो गया, खाना वाना खा लिए, रात के 11 बज चुका है, तभी हम जा रहे सोने के लिए, क्योंकि सुबह उठना भी है और कलकत्ता कल जाएगा सागर माइक लेने के लिए, तो माइक लेके आएगा तो फिर उसी माइक से आप लोग सुनिए, देखिएगा कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है इस माइक में उस माइक में, उसमें आवाज़ कुछ और ही चेंज आएगा, थोड़ा ट्रेवल कर रहा है ये मेरा माइक अभी। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग अभी जा रहे हैं सोने के लिए, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगला नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा दुर्गापुर खाली करने के लिए, और कलकत्ता का अगर जाएंगे लेने के लिए माइक मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसे मिल जाएगा, लोकेशन मालूम चला हम लोगों को, इसलिए हम लोग जा रहे हैं उसमें लेने के लिए। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लोग थोड़ा गए थे एसी में हवा खाने के लिए, तब तक ये मटन खा रहा है, ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना, आधा किलो खत्म हो गया होगा, बताओ बताओ। अभी कुछ बोलेगा नहीं, चलिए खाने दीजिए, कोई बात नहीं।